सके। सजेशन नंबर टू, हाई इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 0 to π/2 साइन फाइव इन साइड द रूट एंड दिस इज कॉस पावर फाइव फाइव डी फाइव। ओके, तो नाउ आई इज इक्वल टू 0 to π/2 नाउ रूट में साइन फाइव इंटू कॉस स्क्वायर फाइव का स्क्वायर इंटू कॉस फाइव। तो नाउ लेट साइन फाइव इज इक्वल टू टी, तो दिस इज दैट कॉस फाइव डी फाइव इज इक्वल टू डी टी हो गया सर। क्लियर है? अब इसका मतलब नाउ फॉर लोअर लिमिट आप करेंगे तो नाउ किसकी वैल्यू रखेंगे आप? फाइव की। तो नाउ फाइव इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर साइन जीरो इज इक्वल टू आपका टी। साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती? जीरो। तो नाउ देखो दिस, तो टी इज इक्वल टू जीरो, ये आपकी नाउ न्यू लोअर लिमिट आपकी आ गई। एम बी फॉर अपर लिमिट फाइव इज इक्वल टू आप पाई बाई टू रखेंगे तो नाउ टी इज इक्वल टू साइन पाई बाई टू, तो नाउ टी इज इक्वल आपका कितना हो जाएगा सर? तो दिस इज आपका नाउ न्यू अपर लिमिट। डिफरेंशियल जब भी करेंगे आपका तो याद रखिएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको लिमिट्स भी चेंज करनी है। सो नाउ दिस अकॉर्डिंग टू, अब आपका क्वेश्चन आ जाएंगे दिस, तो नाउ आई इज इक्वल टू लिमिट आपकी चेंज हो गई 0 to 1 हो गई आपका सर। नाउ दिस इज ये टी, ये पूरा आपका क्या हो गया? डी टी आ गया सर। अब ये आपका क्या हो जाएगा? ना ये इसकी जगह में आपका करेंगे 1 - sin²5 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर आई डी यूज कर देंगे साइन स्क्वायर फाइव एन प्लस कॉस स्क्वायर फाइव स्क्वायर वन, इसको तब्दील कर दिए तो आई इज इक्वल टू 0 to 1। अब आपका देखो ना जैसे रूट टी और ये आपका 1 - दिस टी स्क्वायर, ठीक है ना सर? का ठीक है सर। अब यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab एन प्लस बी स्क्वायर हो गया। तो ना आई इज इक्वल टू 0 to 1, ये आपका टी की पावर 1/2 हो गया। ना तो कहते सर, तो ये आपका 1 - 2t² प्लस टी की पावर 4। ना दिस मोनोमियल विल मल्टीप्लाई विद एवरीवन, सो ना आई इज इक्वल टू 0 to 1। ना दिस द टी की पावर हाफ, ये देखिए नौ माइनस 2 × t के बाद 2 × 4 प्लस कितना हो गया 5/2। देखिए ठीक है, और नाउ प्लस टी की पावर आपका रहा 2 × 4 × 8 9/2 डी टी। श्योर सर? क्लियर? बस अब आपने क्या करना है इसको देखो, आई इज इक्वल टू 0 to 1, इसको तो यहाँ कर दीजिएगा ना, देखो टी की पावर हाफ डी टी और माइनस 2 × t की पावर 5 दिस इज द डी टी, और आपका नाम दिस प्लस टी की पावर 9/2 ए डी टी आपका हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा सर? आई इज इक्वल टू अभी टी की पावर 3/2, तो ना 3/2 माइनस 2 × टी की पावर 1, तो 7/2 एन प्लस टी की पावर 2 11/2 ये आपका ये हो जाएगा आर दस 0 to 1 पावर मिल जाएगी सर। तो नाउ इफ ए इज सेपरेट एंड बी बाई सी इज सेपरेट, सो नाउ ये आपका ए सी बाई बी हो जाएगा फॉर्मूला। सो नाउ आई इज इक्वल टू 2/3 टी की पावर 3/2, नाउ दिस इज आर, ये आपका हो गया सर दिस 2 × 4 - 4/7
टी की पावर 7 बाई टू एंड नाउ प्लस 2 बाई 11 टी की पावर 11 बाई टू। ये हो गया। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा नाउ यहाँ पर इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू नाउ दिस है एफ ऑफ एक्स ऑफ नाउ दिस ए टू बी दिस इज एफ बी और माइनस एफ ए वाला फॉर्मूला ये लग जाएगा सर। ठीक है, अब इसका मतलब 2 बाई 3 टी की पावर 0 की पावर 3 बाई 2 और माइनस पहले अपर लिमिट आएगी सॉरी पहले 1 की पावर 3 बाई 2 माइनस 0 की पावर 3 बाई 2 हो गया सर ना और ये माइनस 4 बाई 7 सर 1 की पावर 7 बाई 2 माइनस 0 की पावर 7 बाई 2 हो गया सर ना प्लस 2 बाई 11 तो नाउ दिस सर टी मतलब 1 की पावर 11 बाई 2 एंड आपका देखो माइनस 0 की पावर 11 बाई 2 चेक करने के बाद कहीं भी कोई दिक्कत है सॉरी तो कितना आ रहा है ये तो 2 बाई 3 आई इज इक्वल ये हुआ सर। ठीक है ना माइनस 4 बाई 7 और प्लस 2 बाई 11 हो गया इनका सबका एलसीएम ले लीजिए तो सबका एलसीएम क्या आएगा ये आपका एलसीएम आ गया सर। ये आ गया सर आपका देखो तो अब इसमें आपका कितना हो गया 154 माइनस 4 बाई 7 है 4 बाई 7 का मतलब माइनस 132 और प्लस 11 11 का है ये 721 21 टू सर आपका नाम दिस 42 हो गया सर। इनको सब ऐड कर लीजिएगा दिस इज 64 इसमें अगर इसको प्लस किया और फिर ये माइनस एक्चुअली 132 ओवर 231 दिस इज योर आंसर सर।